नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जोबट थाना अंतर्गत ग्राम जामनी में रात्रि 12 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक गिट्टी से भरा हुआ डंपर दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया है, जिस पर सवार 3 लोगों के दबे होने की सूचना है। सूचना पर तत्काल जोबट एसडीओपी नीरज नामदेव, थाना प्रभारी आरती चराटे, रात्रि गश्त अधिकारी एएसआई विक्रम लाखन व अन्य पुलिस स्टाफ तत्काल मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस व 2 जेसीबी मशीन मौके पर बुलाई गई। पुलिसकर्मी व स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय ग्रामीणजन शामिल हुए। सभी घायलों को जेसीबी व अन्य साधनों की मदद से एक एक कर बाहर निकाला गया। एसडीओपी नामदेव ने बताया कि डंपर वाहन ग्राम गिरवानी से गिट्टी भरकर ग्राम खंडारा जा रहा था, तभी रास्ते में जामनी मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस द्वारा चलाए रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी 3 घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और शासकीय चिकित्सालय जोबट उपचार हेतु भेजा गया। इस प्रकार जोबट पुलिस की सक्रियता से 3 लोगों की जान बच ली गई। एसडीओपी व जोबट पुलिस द्वारा तत्काल किए गए बचाव कार्य की सभी के द्वारा प्रशंसा की जा रही है। जोबट से न्यूज 69 के लिए रितेश अगाल की रिपोर्ट। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक डंपर जो है जामनी फाटा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 लोगों के दबे होने की सूचना है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी जोबट में और अन्य हमारे पुलिसकर्मी यहां पर आए। तत्काल एम्बुलेंस को बुलाया गया, जेसीबी को बुलाया गया। 2 जेसीबी के माध्यम से इसमें रेस्क्यू कराया गया। 3 जो दबे हुए थे इसमें, उनका रेस्क्यू सुरक्षित तरीके से कर लिया गया है। 3 सुरक्षित हैं, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल जोबट अस्पताल भिजवाया गया है और जहां पर इसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। ये जो है गिरवानी से खंडाला की ओर डंपर जा रहा था, जो कि जामली फाटा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और पुलिस की टीम के द्वारा रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।